जलंधर पछमी विधानसभा हलके दे विच जिमनी चोण हो जा रही है, जिस तों लैके आम आदमी पार्टी ते बीजेपी दे वल्लों आपो अपने उम्मीदवार दा ऐलान कर दिता गया, पर कांग्रेस दे वल्लों जे तक अपने उम्मीदवार दा ऐलान नहीं किया गया। इंज लग रहा है कि कांग्रेस 21 दे चक्रव्यूह विच फसी हुई है। चर्चावां ने कि एक दो दिन दे विच विच कांग्रेस अपना उम्मीदवार ऐलान देवेगी, पर उत्थे एक नवी चर्चा छिड़ गई है, नवा घमसान पै गया है और कहा जा रहा है कि अकाली आगू महिंदर केपी मोटो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो कांग्रेस इस जगह तो महिंदर केपी को टिकट दे सकती है। हालांकि महिंदर केपी के खेमे के वालों इस लैके कोई भी पुष्टि नहीं की गई, पर चर्चावां ने कि महिंदर केपी मुड़ तो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दस दिए कि इस चर्चा तो बाद कांग्रेसी वर्करां दे विच रोस जिहड़ा है वह पाया जा रहा है, पर कांग्रेस में केपी दे आउण दी दस्तक नाल एक तरह नाल खलबली मची हुई है। इन्हां हालात नूं देखदे हुए वैस्ट हल्के तो टिकट दे दावेदारां दे मोबाइलां दीआं घंटियां वज्जियां, उन्हां ने 66 फुटी रोड ते इकट्ठे होण दा मैसेज दिता, जिथे हल्के दे दावेदार ते कांग्रेसी आगू संसद मैंबर चरणजीत सिंह चन्नी दे सामने पेश कीते गए अते उन्हां केपी दी कांग्रेस विच एंट्री दा विरोध भी जताया। दावेदारां ने कहा कि हाईकमान उन्हां विचों किसे नूं टिकट देवे तां ऐलानी उम्मीदवार दा समर्थन करनगे, पर जेकर केपी नूं पार्टी विच शामिल करके उस नूं उम्मीदवार बनाया गया तां उह चोण प्रचार तों दूरी बनाउणगे। हालांकि चन्नी ने अजिहा कथन कह के सब नूं कहा कि टिकट सिर्फ हल्के नाल संबंधित कांग्रेसियों विचों ही किसी एक नूं मिलेगी। इस दौरान संसद मैंबर चन्नी ने मौके पर ही कांग्रेस के पंजाब मामलों के इंचार्ज रविंदर यादव को फोन करके उन्होंने दावेदारों की भावनावां तों जाणू करवाया। इस प्रोसे उपरंत सारे दावेदार वापस मुड़ गए। जदों केपी कांग्रेस में शामिल होने बारे चर्चा चल रही थी तो उत्थे ही कांग्रेसी वर्करां दे वल्लों ये इकट्ठ किया गया ते नाल ही कहा गया कि असी महिंदर केपी नूं टिकट नहीं देण देवांगे। दस दिए कि महिंदर केपी कांग्रेस के साबका संसद मैंबर, साबका मंत्री अते साबका प्रदेश कांग्रेस प्रधान रह चुके हैं, पर मौजूदा समय वह अकाली दल का हिस्सा ने। दस दिए कि फिलहाल इन चर्चावां ने एक नवी चर्चा छेड़ दी और क्यास रही ने कि महिंदर केपी कांग्रेस का पल्ला पड़ सकते हैं, हालांकि इसका विरोध पंजाब कांग्रेस के विच हो रहा है। जलंधर पछमी विधानसभा हलके दे विच जिमनी चोण हो जा रही है, जिस तों लैके आम आदमी पार्टी ते बीजेपी दे वल्लों आपो अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिता गया, पर कांग्रेस दे वल्लों जे तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। इंज लग रहा है कि कांग्रेस 21 दे चक्रव्यूह विच फसी हुई है। चर्चावां ने कि एक दो दिन दे विच विच कांग्रेस अपना उम्मीदवार ऐलान देवेगी, पर उत्थे एक नवी चर्चा छिड़ गई है, नवा घमसान पै गया है और कहा जा रहा है कि अकाली आगू महिंदर केपी मोटो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो कांग्रेस इस जगह तो महिंदर केपी को टिकट दे सकती है। हालांकि महिंदर केपी के खेमे के वालों इस लैके कोई भी पुष्टि नहीं की गई, पर चर्चावां ने कि महिंदर केपी मुड़ तो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दस दिए कि इस चर्चा तो बाद कांग्रेसी वर्करां दे विच रोस जिहड़ा है वह पाया जा रहा है, पर कांग्रेस में केपी दे आउण दी दस्तक नाल एक तरह नाल खलबली मची हुई है। इन्हां हालात नूं देखदे हुए वैस्ट हल्के तो टिकट दे दावेदारां दे मोबाइलां दीआं घंटियां वज्जियां, उन्हां ने 66 फुटी रोड ते इकट्ठे होण दा मैसेज दिता, जिथे हल्के दे दावेदार ते कांग्रेसी आगू संसद मैंबर चरणजीत सिंह चन्नी दे सामने पेश कीते गए अते उन्हां केपी दी कांग्रेस विच एंट्री दा विरोध भी जताया। दावेदारां ने कहा कि हाईकमान उन्हां विचों किसे नूं टिकट देवे तां ऐलानी उम्मीदवार दा समर्थन करनगे, पर जेकर केपी नूं पार्टी विच शामिल करके उस नूं उम्मीदवार बनाया गया तां उह चोण प्रचार तों दूरी बनाउणगे। हालांकि चन्नी ने अजिहा कथन कह के सब नूं कहा कि टिकट सिर्फ हल्के नाल संबंधित कांग्रेसियों विचों ही किसे एक नूं मिलेगी। इस दौरान संसद मैंबर चन्नी ने मौके पर ही कांग्रेस के पंजाब मामलों के इंचार्ज रविंदर यादव को फोन करके उन्होंने दावेदारों की भावनावां तों जाणू करवाया। इस प्रोसे उपरंत सारे दावेदार वापस मुड़ गए। जदों केपी कांग्रेस में शामिल होने बारे चर्चा चल रही थी तो उत्थे ही कांग्रेसी वर्करां दे वल्लों ये इकट्ठ किया गया ते नाल ही कहा गया कि असी महिंदर केपी नूं टिकट नहीं देण देवांगे। दस दिए कि महिंदर केपी कांग्रेस के साबका संसद मैंबर, साबका मंत्री अते साबका प्रदेश कांग्रेस प्रधान रह चुके हैं, पर मौजूदा समय वह अकाली दल का हिस्सा ने। दस दिए कि फिलहाल इन चर्चावां ने एक नवी चर्चा छेड़ दी और क्यास रही ने कि महिंदर केपी कांग्रेस का पल्ला पड़ सकते हैं, हालांकि इसका विरोध पंजाब कांग्रेस के विच हो रहा है। जलंधर पछमी विधानसभा हलके दे विच जिमनी चोण हो जा रही है, जिस तों लैके आम आदमी पार्टी ते बीजेपी दे वल्लों आपो अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिता गया, पर कांग्रेस दे वल्लों जे तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। इंज लग रहा है कि कांग्रेस 21 दे चक्रव्यूह विच फसी हुई है। चर्चावां ने कि एक दो दिन दे विच विच कांग्रेस अपना उम्मीदवार ऐलान देवेगी, पर उत्थे एक नवी चर्चा छिड़ गई है, नवा घमसान पै गया है और कहा जा रहा है कि अकाली आगू महिंदर केपी मोटो
कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस इस जगह तो महिंदर केपी को टिकट दे सकती है। हालांकि महिंदर केपी ने खेमे के वालों इस लैके कोई भी पुष्टि नहीं की गई, पर चर्चावान ने कि महिंदर केपी मुड़ तो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दस दिए कि इस चर्चा तो बाद कांग्रेसी वर्करां दे विच रोस जिहड़ा है वह पाया जा रहा है। पर कांग्रेस में केपी दे आउण दी दस्तक नाल एक तरह नाल खलबली मची हुई है। इन्हां हालात नूं देखदे हुए वैस्ट हल्के तो टिकट दे दावेदारां दे मोबाइलां दीआं घंटियां वज्जियां ते उन्होंने 66 फुट्टी रोड ते इकट्ठे होण दा मैसेज दिता, जिथे हल्के दे दावेदार ते कांग्रेसी आगू संसद मैंबर चरणजीत सिंह चन्नी दे सामने पेश किए गए अते उन्हां केपी दी कांग्रेस विच एंट्री दा विरोध भी जताया। दावेदारा ने कहा कि हाईकमान उन्हां विचों किसी नूं टिकट देवे तां ऐलानी उम्मीदवार दा समर्थन करनगे, पर जेकर केपी नूं पार्टी विच शामिल करके उस नूं उम्मीदवार बनाया गया तां चोण प्रचार तों दूरी बनाउणगे। हालांकि चन्नी ने अजिहा कथन कह के सब नूं कहा कि टिकट सिर्फ हल्के नाल संबंधित कांग्रेसियों विचों ही किसी एक नूं मिलेगी। इस दौरान संसद मैंबर चन्नी ने मौके पर ही कांग्रेस के पंजाब मामले के इंचार्ज रविंदर यादव को फोन करके उन्होंने दावेदारों की भावनावां तो जाणू करवाया। इस प्रोसे उपरंत सारे दावेदार वापस मुड़ गए। जो केपी कांग्रेस में शामिल होने बारे चर्चा चल रही थी तो उत्थे ही कांग्रेसी वर्करों के वालों ये इकट्ठ किया गया ते नाल ही कहा गया कि असी महिंदर केपी को टिकट नहीं देन देवांगे। दस दिए कि महिंदर केपी कांग्रेस के सबका संसद मैंबर, सबका मंत्री और सबका प्रदेश कांग्रेस प्रधान रह चुके हैं, पर मौजूदा समय वह अकाली दल का हिस्सा ने। दस दिए कि फिलहाल इन्होंने चर्चावान ने एक नवी चर्चा छेड़ दी और क्या रही ने कि महिंदर केपी कांग्रेस का पल्ला पड़ सकते हैं। हालांकि इसका विरोध पंजाब कांग्रेस के हो रहा है।